हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं दस जो स्नेक, जो कि डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था फायर एम, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल के, और सारा का सारा पोइट्री समरी लिखा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। और फटाफट से आप, मैं बताने वाला हूँ आपको बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का समरी, जो कि इंग्लिश रेनबो बुक से है। यहाँ पर जो स्नेक दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो कि डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है ना, डीएच लॉरेंस के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा, इतना बड़ा लंबा सा लाइन पोएम जो लिखा हुआ है ना, इतना लंबा पोएम है, और यही जो स्नेक है ना, इसी के बारे में लिखा गया है। तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे अच्छे से, बिल्कुल शॉर्ट समरी लिखा है, बिल्कुल शॉर्ट समरी आप देख सकते हैं, शॉर्ट समरी लिखा है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं बिना किसी देरी के। स्नेक, रेनबो इंग्लिश बुक क्लास 12। स्नेक, दिस पोएम इज कम्पोज बाय डी ए लॉरेंस। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि डी ए लॉरेंस जो है ना, आपको पोएम का जो पोएट है वो नाम लिखना है, जन्म भी लिखना है, मृत्यु भी लिखना है, लेकिन मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए, दिस पोएम इज कम्पोज बाय डी ए लॉरेंस। ही इज ए फेमस पोएट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड लेटर राइटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, पोएट का नाम लिखना है। दिस पोएम इज कम्पोज डी ए लॉरेंस, ये जो पोएम है डी ए लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। वो बहुत ही एक फेमस प्रसिद्ध पोएट भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और लेटर राइटर भी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आप अगर घबरा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो ये आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको उतारना है। डिस्क्रिप्शन में जाकर क्या करना है, आपको जाना है सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये समरी उतारा हुआ है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कॉपी करके लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए है ना, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा ये बिहार बोर्ड के लिए। चलिए आगे देखते हैं, इन दिस पोएम ही से डेट वन डे ही वाज स्लीपिंग इन हिज रूम। इस पोएम में वे बताते हैं कि वे कहते हैं कि एक दिन वो है ना अपने रूम में सो रहे थे, अचानक उनको क्या हुआ, अचानक उनको क्या हुआ, ही फेल्ट थर्स्टी, वे प्यासा महसूस करने लगे। ही वॉक अप, वो उठे, ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीना चाहते थे। ही वॉज गोइंग टुवर्ड द टॉप, वो टॉप पर गए, मतलब कि जहाँ नल लगा हुआ था वहाँ पर गए। अचानक ही सॉ ए स्नेक, अचानक वहाँ उन्होंने क्या देखा, स्नेक देखा, अचानक देखा, ही सॉ ए स्नेक देखा, ठीक है। हमें अच्छे से आपको समझा देते हैं ताकि आपको पढ़ने में, याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, अचानक वो स्नेक देखे, इट वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द क्रैकर द वॉल। स्नेक आया कहाँ से था, स्नेक आया था दीवार, जो दीवार था वहाँ पर, क्रैक दीवार था, वहाँ से निकल कर आया था स्नेक। इट वॉज वेरी चार्मिंग, वो बहुत ही एक आकर्षक लगा था पोएट को, द पोएट वॉज अट्रैक्ट, पोएट बहुत ही अट्रैक्ट हो गए उससे। नाउ ही बिगेन, ओके, चलिए, इट वॉज वेरी चार्मिंग, द पोएट वॉज अट्रैक्टेड, ही बिगेन टू वॉच इट्स मूवमेंट। अब क्या करने लगे, पोएट उसे देखने लगे, उनका उनके मूवमेंट को देखने लगे, किसका, सांप का मूवमेंट को करने लगे, पोएट देखने लगे। द स्नेक मूव्ड टुवर्ड द टॉप, स्नेक भी पानी की तरफ जा रहा था, इट वॉन्टेड टू ड्रिंक वाटर, वो भी पानी पीना चाहता था, ठीक है ना, स्नेक भी पानी पीना चाहता था। द एजियोलॉजिकल स्ट्रगल स्टार्टेड इन हिज माइंड, उसके माइंड में एक संघर्ष का है ना पैदा होने लगा, स्टार्ट होने लगा, कि क्या स्नेक को मारे या फिर नहीं मारे, किसके मन में, पोएट के मन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो गया था, जो पोएट थे वो कन्फ्यूज हो गए थे कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर द स्नेक रिटर्न बैक, वैन द स्नेक पार्शली एंटर इन टू द होल, द पोएट के लिए कहता है कि जब पानी पी लिया अच्छे से स्नेक, तब वो क्या करने लगा, रिटर्न करने लगा। जब पानी पी लिया अच्छे से, तब स्नेक क्या करने लगा, रिटर्न बैक होने लगा, अपने जो क्रैक दीवार से आया था वहाँ पर जाने लगा। तब स्नेक जो पोएट था वो सोच रहा था कि इसको मारे कि नहीं मारे, क्या करता है देखते हैं, मारता है या फिर नहीं मारता है देखते हैं। तो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर द स्नेक रिटर्न बैक, व्हेन द स्नेक पार्शली एंटर, जैसे ही हल्का सा बहुत थोड़ा सा अंदर घुसा ही, तो उसने पोएट ने क्या किया, लाठी उठाया और उसको कस के मारा, है ना। द होल पोएट किल्ड इट विथ ए स्टिक, उन्होंने क्या किया, स्टिक से मारा, मर गया वो बेचारा। अब बताता है यहाँ पर, द पोएट फिल्ड विथ रिमोर्स, जो पोएट थे वो सदमा मां गए, ठीक है ना। तो जो है दोस्तों, स्नेक बहुत ही बुरा लगा, मतलब कि जो पोएट हैं उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। द पोएट फिल्ड विथ रिमोर्स, ही फेल्ट वेरी बैड, वो बहुत ही बुरा महसूस कर रहे थे। ही कंडेम्स द ह्यूमन एजुकेशन, वे ना जो
ह्यूमन एजुकेशन को निंदा कर रहे थे। कंडेम्स का मतलब होता है निंदा करना, याद रख लीजिएगा, कंडेम्स का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। चलिए, कंडेम्स का मतलब होता है निंदा करना, आई होप आप समझ होंगे। अब देखिए, द ह्यूमन एजुकेशन विच इनकरेज हिम टू किल, वो ह्यूमन एजुकेशन को निंदा बता रहे थे कि वो उसने मार दिया, जो पोएट थे उन्होंने क्या किया, सांप को मार दिया, इसलिए वो अपने आप को बुरा भी महसूस कर रहे थे, कंडेम्स भी निंदा भी कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, द स्नेक वाज लाइक ए किंग इन एग्जाइल, स्नेक क्या है, एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जो स्नेक राजा है और उसको क्या किया है, देश निकाल दिया गया। एग्जाइल का मतलब क्या होता है, देश निकालना, देश निकालना, ठीक है, लिख लीजिएगा दोस्तों। आई होप आज का वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, स्नेक का वेरी शॉर्ट समरी दिया है, अगर आप इसको लिख देते हैं तो फुल मार्क्स मिलता है, स्नेक का है, और आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप इसको लिख सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।